नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मैं केजरीवाल का शरीर तिहाड़ जेल में बंद पड़ा हुआ। आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही उनको कह दिया कि 21 दिन के लिए तुम बाहर जाओ, वो मुझे यहाँ छोड़ के भाग गया। जिस आदमी को मैंने जन्म से लेके कल तक साथ दिया, उनका बीवी ने मेरा नाम पर आपका सामने रोना धोना किया था। कहा था केजरीवाल का शरीर तिहाड़ जेल में है लेकिन आत्मा दिल्ली में है। आज उसी आत्मा को तिहाड़ जेल में यहां छोड़ के चला गया। ये आदमी इतना धूर्त है, उनका शरीर तक उन्होंने धोखा दिया, तो आप सोचो जनता को ये क्या कर सकता है। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या गलत कारनामा किया और ये 21 दिन में क्या करने वाला है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए और मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है ना, ये तो एक बहाना है। पैसा तो सारा मॉडल में कमाना है, भले वो पाकिस्तान हो या पन्नू हो, हर किसी से हाथ मिलाना है, मुझे देश का प्राइम मिनिस्टर बनना है। ये केजरीवाल का खतरनाक प्लान था दोस्तों। दिल्ली का एलजी ने भी अब इसका ऊपर सिफारिश कर दिया एनआईए को। लगता है मेरा पूरा जीवन तिहाड़ जेल का अंदर ही रह जाएगा। उन्होंने कहा था कि मैं बाहर नहीं जा पाऊंगा। सीबीआई ईडी ने जो कार्रवाई किया वो बिल्कुल सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का दो टेररिस्ट ने बैठ के जो सुनवाई किया, सॉरी, जो जस्टिस ने इस केस का सुनवाई किया, इनको जो बेल मिला ये इंटरिम बेल नहीं है। केजरीवाल ने जाते जाते मुझे कहा, देखना भैया, मैं बाहर जाके लोगों को कैसे दिखाता हूं कि ये इंटरिम बेल है। उन्होंने कहा कि सीआरपीसी का प्रोविजन में मैंने अप्लाई ही नहीं किया, तो मुझे इंटरिम बेल कहां से मिलेगा। ये एक राहत है, आम आदमी पार्टी का वो सुप्रीम लीडर है इसीलिए दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है बिल्कुल गलत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का पास पावर है, जिन्होंने ये यूज करते हुए उनको ये दिया है कि भाई दिल्ली में हम लोग रहते हैं, हम लोग भाई भाई हैं, कहीं ना कहीं किसी का कभी ना कभी काम आएंगे, तो चलो तुम्हें भी दे देते, लेकिन तुम्हें बेल देना हम सोच भी नहीं सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज ने कहा। लेकिन केजरीवाल ने सोचा था कि बाहर जाने से उनका जो वो दिल्ली का मुख्यमंत्री का जो रूम है ना, उसमें बैठ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। पीछे भगत सिंह का फोटो लगा हुआ होगा, अंबेडकर का फोटो लगा हुआ होगा, आपने देखा ही होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज ने उनका मुंह पे ऐसा तमाशा मारा, कहा कि तुम बाहर तो जा रही हो लेकिन एक सस्पेंड चीफ मिनिस्टर बन गए, तुम गलती से भी जाके उस कुर्सी में मत बैठना। ये जो लोग मरने से या कोई बड़ा त्योहार होने से अपने घर में कोई क्रिमिनल, रेपिस्ट, टेररिस्ट, इनको देते हैं ना 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, इस टाइप का एक रिलीफ दिया गया है, ये कोई बेल नहीं है। लेकिन इन्होंने मुझे जाते ही कह दिया था कि देखना मीडिया में मैं चलवा दूंगा ये इंटरिम बेल। हम मीडिया भी चला दिए। मैं आपको बताता हूँ वो जाते जाते क्या बोल के गया मुझे, इतना खतरनाक बात वो मुझे बोल के गया। उन्होंने कहा, मुझे 21 दिन का टाइम दिया है ना जज ने, मैं नहीं आऊंगा। जो 1 जून से पहले इलेक्शन रैली का प्रसार खत्म हो जाएगा, यानी 21 दिन में से आप मान के चलो 19 या 20 दिन में मेरा शरीर इतना भयानक, इतना खतरनाक परिस्थिति हो जाएगा, मेरा शरीर उठ नहीं पाएगा, मैं कहीं रैली करते करते वहां पर गिर जाऊंगा। जो शुगर लेवल ऐसे बढ़ाऊंगा, मैं पूरी, आलू, सब्जी, आम, मिठाई भर के खाऊंगा, अब उससे कौन देखने वाला है। और खा के वो किसी स्टेज में रैली करते करते गिर जाएगा, और उसके बाद मैं बोल दूंगा कि मेरा स्ट्रेस का कारण जो शुगर लेवल जो पहले से चल रहा था ये बढ़ गया, अब मुझे मेडिकल बेल का जरूरत है ट्रीटमेंट करने के लिए, फिर ये मेडिकल गाउन पर बेल के लिए अप्लाई करेगा। हालांकि इंटरिम बेल में क्या होता है कि
आपको जब भी ऐसे रिलीफ मिलता है ना, उसके बाद आपको कोर्ट जाना पड़ता है। लेकिन केजरीवाल का इस केस में इसको 21 दिन के बाद कोर्ट नहीं जाना है, इनको तिहाड़ जेल जाना है, यानी इनको एक रिलीफ मिला है, इंटरिम बेल नहीं मिला है। दोस्तों, ये केजरीवाल ने मुझे और एक सीक्रेट बात बोल के गया है। इसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल का जो पासपोर्ट है ना, ये जब्त नहीं किया, मौका मिलेगा तो ये बाहर भी भाग सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इनका जो पहुंच है ना, जर्मनी से लेके यूएस तक है, आपने देखा होगा ना। इन्होंने कहा इनका कोई प्रसारक था, निष्पक्ष कोई चैनल या कोई यूट्यूबर था जो विदेश में रहता है, इन्होंने 1 महीना का पैसा नहीं दिया तो उन्होंने पार्टी बदल दिया। पहले केजरीवाल के लिए काम करता था, आजकल वो कांग्रेस के लिए कर रहा है, तो ये थोड़ा सा डर गया। इसलिए इसने कहा मैं जाते ही सबसे पहले बजरंग बली का मंदिर जाऊंगा, प्रभु हनुमान का शरण में जाके प्रभु को बोल दूंगा कि प्रभु मुझे मालूम है ये घोर कलयुग है, इसमें आप हम जैसा बेईमान चूड़ों के ही सुनते हो, गरीबों के तो सुनते नहीं हो, तो मुझे एक मौका दे दो, मुझे ये जो ड्रामा है इसमें एक बार साथ दे दो, अगली बार आपके नाम पर एक मंदिर बनवा दूंगा जिससे मेरा भी कालाधन व्हाइट हो जाएगा। ये मुझे केजरीवाल ने बोल के गया है। ये बहुत खतरनाक आदमी है दोस्तों, बहुत खतरनाक आदमी। तो ये मुझे ये भी बोला कि देखना मैं जनता को किस तरह से गुमराह करता हूँ, मैं ऐसा ऐसा बात बोलूंगा कि जनता भी सोचेगा यार सही में इस आदमी का साथ गलत हुआ है। हालांकि वो अलग बात है, मैं उनका शरीर हूं, मैं जानता हूं उन्होंने हर वो घोटाला किया है, शिक्षा से लेके शराब से लेके जल विभाग तक इन्होंने घोटाला किया है। दोस्तों मुझे आज भी याद है, मैं जब शीश महल में रहा करता था क्या मेरा शरीर का सुख था, लेकिन आज तिहाड़ जेल में मेरा क्या हाल है दोस्तों। ये 6x6 रूम में मेरा जीना, मेरा सांस घुट रहा है दोस्तों। मैंने एक गलत आदमी पर अपना शरीर लगा दिया, लगता है आने वाला पूरा जीवन मेरा तिहाड़ जेल में ही बंद पड़ा रहेगा, क्योंकि इसने ऐसा ऐसा गलत कारनामा किया, मैं कभी निकल ही नहीं पाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों अगली बार चुनाव में मतदान करने से पहले सोच समझ कर करना, ताकि ऐसा धूत आदमी को मत करना जहां हम जैसा शरीर को भी रोना पड़ता है, जनता तो उनके लिए बहुत छोटा सा चीज है। वही था दोस्तों मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना।